आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन के अंदर वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। बजट को लेकर विपक्ष ने हंगामा भी किया, कुछ सवाल जवाब भी किए। हमारे साथ बजट पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के युवा विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया। भूरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बजट आया, किस तरह से आप देखते हैं इस बजट को? देखिए, मेरा एक सीधा सा सवाल है, आप इतने बड़े बड़े बजट लेकर आते हैं पर अगर वो भ्रष्टाचार रूपी चूहे आपके खा जाएं तो वो जनता तक कहां पहुंच रहा है? नर्सिंग घोटाले में क्या हुआ? पहले दिन हमने सदन प्रस्ताव का बोला, इन्हें नहीं दिया। दूसरे दिन विश्वास सारंग जी झूठ बोलकर सदन में निकल गए। और आज जब हमने कमेटी की मांग करी कि विधानसभा की कमेटी गठित की जाए जिसके निर्देशन में पूरी जांच हो, क्योंकि मंत्री जी जब तक है पद पर तब तक काम नहीं होगा, उनका इस्तीफा भी होना चाहिए, पर इन्होंने स्वीकार नहीं करा। पूरे बजट जब पेश कर रहे थे हमने विरोध करा उस चीज का। और आप ये देखिए कि बजट 88,000 करोड़ का एक कर्ज ले रहे हैं, उसका ब्याज कौन भरेगा? जनता भरेगी। और जनता जब भरेगी तो बोझ उन पर आएगा, ये तो भ्रष्टाचार करके निकल जाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी से हमने ये बोला, आप विश्वास सारंग जी से डरिए मत, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ डरिए मत, हम आपके साथ हैं, आप कार्रवाई करिए और जो जो दोषी है उनको जेल पहुंचाने का काम करें। विक्रांत जी, नर्सिंग घोटाले पर सरकार का कहना है कि कल विस्तृत रूप से चर्चा हो चुकी है इस विषय पर। चर्चा हमें बस बात करी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिए। उन्होंने जो जवाब दिए पूरे झूठ दिए। हमने बोला कि आप बताइए किन किन आपके लोगों को आपने उपकृत करा है, नियम के विरुद्ध जाकर आपने उपकृत करा है, कोई जवाब नहीं दे पाए। तो जब साफ दिख रहा है जो लोगों ने भ्रष्टाचार करा सब उनके अंडर में काम कर रहे थे, और ऐसा क्या मंत्री की जवाबदारी नहीं रहेगी? या मंत्री के बिना कोई भी अधिकारी कुछ काम कर सकता है विभाग में? सब बोलने वाली बात है, उन पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। क्या माना जाए, सदन में भी आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है क्या? नहीं सुनी जा रही है, आप बोलने के लिए बोल रहे हैं। आप सदन प्रस्ताव क्यों नहीं लाए, उसको ध्यान आकर्षण में क्यों परिवर्तित कर दिया? इसका मतलब दाल में काला था। तो विपक्ष क्या चाहता है, कमेटी का गठन हो, जांच हो? निश्चित तौर पर विधानसभा की कमेटी गठित होना चाहिए, उसमें आप बीजेपी के भी विधायकों को रखो, कांग्रेस के भी विधायकों को रखो, और उस पर बकायदा चर्चा कर जो जांच करें, तब जाकर समझ में आएगा कितना दूध का दूध और कितना पानी है। और इसलिए हमने निष्पक्ष जांच के लिए कमेटी की मांग करी है, जो अभी तक स्वीकार नहीं करी गई। कमेटी का गठन नहीं होता है, सदन के अंदर बात नहीं सुनी जाती है, तो क्या ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी सड़कों पर? बिल्कुल, सदन से लेकर सड़क तक दमदारी से हम लड़ाई लड़ेंगे। जनता ने हमें विधायक बनाकर भेजा, तो हमारी जवाबदारी है उनके हितों की रक्षा करना, और उसमें किसी भी तरह से हम पीछे नहीं रहेंगे। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के युवा विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया, जिनका साफ कहना है कि नर्सिंग घोटाले पर जब तक विधानसभा के अंदर एक कमेटी का गठन नहीं हो जाता और इस पूरे घोटाले की विस्तृत रूप से जांच नहीं हो जाती और जो मंत्री विश्वास सारंग है उनका इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक कांग्रेस इस नर्सिंग घोटाले की लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली, MSTV भोपाल।